हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्याज कुक बुक। आज हम बनाएंगे दही के सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए दही से बना हुआ चक्का या फिर हंकर। इसके लिए मैंने 3 कप दही को मलमल के कपड़े में 4 से 5 घंटे के लिए बांध के रखा था और उसके बाद 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। इसके बाद हमें कुछ इस तरह का दही मिल गया है। इसके अंदर से पूरा पानी निकल चुका है और ये सॉलिड बन चुका है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां मिलाएंगे। कद्दूकस किया हुआ गाजर 4 to 5 टीस्पून, बारीक कटा हुआ प्याज 4 to 5 टीस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1/2 इंच, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 4 to 5 टीस्पून। और अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार। चाट मसाले में नमक है, उसके लिए हम नमक डालते वक्त ध्यान रखेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 to 3 टीस्पून। और अब हम 4 ब्रेड की स्लाइस लेके इसके किनारे काट लेंगे। उसमें से 2 स्लाइस पे हम टोमेटो केचप डाल के इसे स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम तैयार किया हुआ दही का फिलिंग इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे। इस सैंडविच के दोनों तरफ से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप चाहे तो बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मेरे पास ये सैंडविच मेकर है, आप चाहे तो इसमें बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। दूसरे सैंडविच की तैयारी कर लेते हैं। इसके ऊपर भी केचप और फिलिंग लगा के दूसरा ब्रेड रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, तवे को गर्म करेंगे और इसके ऊपर तेल डालकर इस सैंडविच को सेकेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है। और अब ये सैंडविच रेडी है, हम इसे तवे से उतार लेंगे। सैंडविच मेकर के अंदर भी हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तवे पे बनाए हुए सैंडविच को हम बीच से काट लेंगे। ये सैंडविचेस बहुत ही अच्छे बने हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से दही का क्रीमी फीलिंग बहुत ही अच्छा लगता है। पर अब हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। ऐसी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।